नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज कुछ ज़रूरी सूचना आप सभी को देना चाहता हूँ कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना का केस तो अभी लगातार बढ़ ही रहा है, जैसा मैं अपने सब वीडियो में बताया हूँ कि जो स्वतंत्र भारत की कुंडली है, वृषभ लग्न की कुंडली, शुक्र जो है परसों जो है वो वृषभ राशि में आ गया है, यानी कि लग्न जो है वो स्ट्रांग जो है वो हो गया है। और गुरु भी कल सुबह जो है वो मकर राशि में आ गया है, यानी स्वतंत्र भारत की कुंडली में नाइन्थ हाउस में जो है गुरु आ गया है, तो वो पांचवी दृष्टि से जो है वो लग्न को देख रहा है, यानी कि लग्न की पोजीशन स्ट्रांग बन गई है, यानी कि अपने देश में लोगों की इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत बढ़िया बढ़ना चालू हो जाएगी अब। लेकिन ज़रूरी सूचना ये है कि आज सुबह 6:04 पर चंद्रमा जो मन का कारक ग्रह है, चंद्रमा जो है वो मिथुन राशि में राहु के साथ आ गया है। मिथुन राशि में राहु के साथ आ गया है, जो कि आज सुबह 6:04 से 2 तारीख को, यानी कि परसों जो है 1:32 तक चंद्रमा मिथुन राशि में रहेगा। जब भी चंद्रमा और राहु की युति होती है तो इस योग को ग्रहण योग बोला जाता है। ग्रहण नहीं है, ग्रहण जो है पूर्णिमा और अमावस्या को लगता है, ये जो है ग्रहण नहीं है, एक ग्रहण योग है कुंडली में, यानी कि चंद्रमा और राहु की युति जो है हो गई है। तो इससे क्या होगा, राहु क्या है कि राहु इस समय एकदम स्ट्रांग है, मिथुन राशि में है, उच्च का है, अपने ही नक्षत्र में है, आद्रा में है, तो इसलिए जो है, और चंद्रमा वहाँ आ गया है तो इन्फेक्शन फैलने का डर जो है वो अभी 2 दिन जो है वो बहुत रहेगा, यानी नंबर आप केसेज भी बढ़ सकते हैं, जो कि आप कल से ही देख रहे हैं कि दिल्ली में ऐसा होने जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों आज से लेकर जो है परसों तक आप लोग एकदम सतर्क रहिए, जितना हो सके बाहर मत निकलिए, बहुत ही ज़रूरी काम हो तब निकलिए, नहीं तो बाहर जो है वो मत निकलिए। दूसरा क्या है, ये योग जो है वो मिथुन राशि में बैठा है, ये योग जो है चंद्रमा और राहु का योग मिथुन राशि में है। अब मिथुन राशि जो है वो रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को, यानी कि उत्तर उत्तर पश्चिम का जो कोना है वो जो है, यानी कि ये जो बीमारी है ये फैलने का योग जो है नॉर्थ साइड में और नॉर्थ वेस्ट साइड में जो है, भारत के जो भी प्रदेश जो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आते हैं वहाँ जो है ये बीमारी फैलने का योग ज़्यादा है। दूसरी क्या देखना है आपको, कि आपको अपने घर में, आपको अपने घर में जो आपके घर का जो कोना है नॉर्थ वेस्ट कोने को आपको एकदम 2 दिन साफ सुथरा रखना है। नॉर्थ वेस्ट कोने में यदि आपका बेडरूम हो तो 2 दिन आप अवॉइड करिए, नॉर्थ वेस्ट में आप मत सोइए, या वहाँ पे बैठने की जगह हो वहाँ पे बैठने की जगह हो, या ये जगह को गेस्ट रूम भी कहा जाता है, गेस्ट के रहने की जगह जो है नॉर्थ वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट में यदि आपका बेडरूम हो या गेस्ट हाउस हो या आप वहाँ बैठने की जगह बनाए हैं तो 2 दिन आप वहाँ मत बैठिए, ठीक है। तो जितना तक हो सके ये थोड़ा सा आप लोग अपने को संभालिए, 2 दिन ये ग्रहण योग बना है, इसमें इन्फेक्शन फैलने का डर ज़्यादा रहता है। आपके घर में कोई ओल्ड एज के व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, तो आप जो है उनको नॉर्थ वेस्ट में जो है 2 दिन मत सुलाइए, ठीक है दोस्तों। अब उसमें जो है ये जगह को जितना हो सके साफ सुथरा रखिए और 2 दिन जो है इसको अवॉइड कीजिए, 2 से 3 दिन का समय जो है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे ही चंद्रमा मिथुन को पार करके कर्क में आएगा, कर्क की जो है राशि चंद्रमा की खुद की राशि है, तो ये जो है समय बहुत ही अच्छा जो है फिर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जितना तक हो सके ये जो है 2 से 3 दिन आप लोग जो है संभालिए। आज का दिन 31 अप्रैल और 2 अप्रैल, ये आपको 3 दिन संभालना है, फिर जैसे रहेगा हम कोरोना के ऊपर जो है अपडेट जो है
लगातार अपने YouTube वीडियो पर दे रहे हैं। इसके पहले का भी वीडियो है, वो भी जो है आप लोग देख सकते हैं। और ये तीन दिन जो है आप एकदम जो है थोड़ा सा सतर्क रहिए, भगवान करेंगे तो समय सब निकल जाएगा। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपना स्वतंत्र भारत की कुंडली में लग्न जो है एकदम बलवान हो गया है। अपने यहाँ बहुत महामारी फैलने का योग जो है वो नहीं है, इसलिए भगवान की कृपा होगी तो सब अच्छा होगा। नवरात्रि चल रही है, माता रानी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, ऐसा मैं कामना करता हूँ। जय श्री राम।